क्या दहेज का भार इतना भारी होता है कि एक साम्राज्य उसकी चपेट में आकर मिट्टी में मिल जाए? बहुत समय पहले मध्य भारत के एक छोटे से राज्य में राजा वर्धनराज का शासन था। राजा अपनी प्रजा का ध्यान रखने वाले न्यायप्रिय और विद्वान माने जाते थे। उनकी पुत्री राजकुमारी कंचन अपनी बुद्धिमानी, रूप और विनम्रता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। जब कंचन विवाह योग्य हुई तो राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि देश भर से योग्य राजकुमारों की खोज की जाए। हर तरफ खबर फैल गई और कई राजकुमार विवाह का प्रस्ताव लेकर आए। लेकिन जब बात दहेज पर आती तो राजा के माथे पर शिकन उभर आती। सभी राजकुमार अपने राज्यों के लिए भारी दहेज की मांग कर रहे थे। एक दिन राजा के दरबार में राजा हेमदत्त का संदेश आया। उन्होंने अपने पुत्र राजकुमार विक्रम के लिए कंचन का हाथ मांगा और साथ ही एक भारी दहेज की सूची भेजी। उस सूची में न केवल स्वर्ण, रत्न और भूमि शामिल थी, बल्कि यह भी लिखा था कि कंचन को विवाह के बाद विक्रम की माता के पैरों की सेवा करनी होगी। राजा वर्धनराज यह सुनकर क्रोधित हुए, लेकिन राज्य की राजनीति और दबाव को देखते हुए उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। विवाह की तैयारियां जोर शोर से शुरू हुई। प्रजा खुश थी कि उनकी राजकुमारी का विवाह हो रहा है, लेकिन कंचन के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। वह जानती थी कि यह विवाह केवल एक समझौता है। विवाह के दिन भव्य समारोह हुआ और कंचन ने भारी हृदय के साथ विदा ली। जब कंचन विक्रम के राज्य पहुंची तो वहां का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। ससुराल में उसका स्वागत नहीं बल्कि उसकी परीक्षा हुई। सास ने उसे कहा, तुम्हारे पिता से जो दहेज मिला है वह कम है, अब तुम्हें यहां अपने गुणों से और भी कुछ साबित करना होगा। कुछ महीने बीते और कंचन को पता चला कि राजा हेमदत्त ने दहेज के स्वर्ण का उपयोग युद्ध करने के लिए किया है। उन्होंने अपने पड़ोसी राज्य पर हमला किया, लेकिन दुर्भाग्यवश युद्ध हार गए। पूरा राज्य कर्ज में डूब गया। इसी बीच विक्रम ने कंचन पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। तुम्हारे पिता ने हमें धोखा दिया है, उन्होंने उतना दहेज नहीं दिया जितना वादा किया था, कंचन ने रोते हुए अपने पिता को संदेश भेजा। राजा वर्धनराज अपने राज्य से सारा धन इकट्ठा करके अपनी बेटी को बचाने के लिए ससुराल पहुंचे, लेकिन हेमदत्त ने कहा, अगर तुम्हारे पास और धन नहीं है तो तुम्हारी बेटी अब हमारे बंधन में है। कंचन ने एक दिन निर्णय लिया कि अब उसे खुद अपने सम्मान की लड़ाई लड़नी होगी। उसने अपनी बुद्धिमानी से एक योजना बनाई। कंचन ने राज दरबार में सभा बुलवाई और अपने पति और ससुर के लालच का सच सबके सामने रखा। उसने यह भी बताया कि कैसे दहेज की वजह से न केवल उसका जीवन नष्ट हो रहा है बल्कि पूरा राज्य बर्बाद हो गया है। कंचन की बातों से प्रभावित होकर प्रजा ने विद्रोह कर दिया। राजा हेमदत्त को गद्दी छोड़नी पड़ी और विक्रम को राज्य से निर्वासित कर दिया गया। कंचन ने अपने पिता के साथ वापस अपने राज्य लौटने का निर्णय लिया। राजा वर्धनराज ने पूरे राज्य में घोषणा की कि अब उनके राज्य में दहेज प्रथा पूरी तरह समाप्त कर दी जाएगी। कंचन की कहानी पूरे देश में फैली और वह महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई। दहेज न केवल परिवार बल्कि पूरे समाज का नाश कर सकता है। कंचन ने यह सिखाया कि सम्मान और स्वाभिमान किसी भी धन से बड़ा होता है। इस तरह कंचन ने न केवल अपने जीवन को बचाया बल्कि दहेज के अभिशाप से समाज को मुक्त करने का मार्ग भी प्रशस्त किया।